आज हम करेंगे गोल्डन ग्लो पील ऑफ का रिव्यू। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गर्दन को कैसे गोरा करें, प्राइवेट पार्ट को कैसे गोरा करें, चेहरे को कैसे गोरा करें, इन सब की वीडियो मैंने बना दी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके देख सकते हो और जान सकते हो किस तरह अपने प्राइवेट पार्ट को, अपने चेहरे को और अपने किल्ली पे कौन सी प्रोडक्ट यूज करें जिससे कि उनका कलर फेयर हो, काली गर्दन आपकी गोरी हो। आज हम बात करेंगे क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या बेनिफिट है, किन लोगों को यूज करना चाहिए, किस टाइप की स्किन के लोगों को ये यूज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को प्लीज प्लीज शेयर करना, मुझे इस समय बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली वो है एवरेस्ट गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या ये आपको गोरा बनाता है। जवाब है नहीं, ये आपको गोरा नहीं बनाता। ये करता क्या है, ये करता ये है कि आपकी स्किन पे जो धूल, डस्ट, मिट्टी जमी हुई, जो नॉर्मल पानी से, फेस वॉश से, साबुन से नहीं निकल पा रही, उसको ये तुरंत निकाल देता है, जिससे आपकी टैनिंग हट जाती है और आपको तुरंत एक अच्छा ग्लो मिलता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट में आपको रेडिएंट ग्लो मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपको तुरंत 15 मिनट बाद एक ग्लो देखने को मिल जाता है इसको यूज करने से। अब हम बात करेंगे किस टाइप के लोगों को, किस एज के लोगों को यूज करना चाहिए। देखिए, किसी भी एज का बंदा या बंदी इसको यूज कर सकता, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी बात कर रहे थे हम लोग साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं और ना ही होते हैं। यदि आपकी बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव है तो हो सकता है कि रेड हो जाए कुछ केसेस में, लेकिन बहुत उसके भी जो चांस है वो ना मात्र हैं। तो मान लीजिए इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे ये मिलेगा कहाँ। ये आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, कॉस्मेटिक की शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे, ऑनलाइन आपको बड़े ट्यूब में ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नायका वगैरह पे भी आसानी से मिल जाएगा। इसको किस तरह यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए कंपनी ने पीछे यहाँ पे दे रखा हुआ है कि किस तरह यूज करना है और कैसे कैसे इसके आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पीछे दे रखी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को आपको धुल लेना है। चेहरे को धुलने के बाद आपको करना है क्या, उसको पोंछ लेना है टॉवल से हल्के हाथों से। उसको सुखाने के बाद अपने चेहरे पे इस पैकेट को ओपन करने के बाद पूरा एरिया में मास्क लगा लेना है। मास्क लगाने के बाद 15 मिनट आपको इंतजार करना है। जब वो सूख जाएगा फिर उसके बाद आपको एक कोने में साइड से उस मास्क को हटाने की कोशिश करनी है। और आप मास्क हटा लेते हो और आप पाओगे जो आपकी स्किन है वो काफी ज्यादा ग्लोइंग बन चुकी है, अच्छी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट के बारे में। आगे की वीडियो में आप जो चाहोगे, जो कमेंट करोगे, जो चीज के बारे में, जो प्रोडक्ट के बारे में, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूज अगर जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उन पे वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।